अजमेर के रेलवे स्टेशन तोपदड़ा पार्किंग में खड़ी मारुति वैन में अचानक आग लग गई। आग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया और इस संबंध में अग्निशमन विभाग को भी सूचित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी नंबर नहीं लग सका। जीआरपी थाना पुलिस भी आपकी सूचना पर मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेते हुए क्षेत्रवासियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लोगों की सूझबूझ के चलते आग पर जल्द काबू पा लिया गया, लेकिन मारुति वैन में रखा पूरा सामान और सीट कवर सहित बैटरी जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि वैन में लगे गैस किट में गैस नहीं थी, अन्यथा स्टेशन पर काफी नुकसान हो सकता था। फिलहाल इस संबंध में महेश भाटी ने बताया कि शायद शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है और 80% गाड़ी जल गई। इस संबंध में कंपनी से जानकारी लेकर नुकसान का आकलन किया जाएगा। रेलवे पार्किंग में एक वैन में आग की सूचना पर हम जीआरपी थाना अजमेर से मैं हेड कॉन्स्टेबल में जाते के आया, तो एक वैन खड़ी थी जो महेश जी भाटी के नाम से थी, जो अपने मोबाइल की दुकान करते हैं कचहरी रोड पे बालाजी श्री बालाजी मोबाइल शॉप के नाम से। तो उसमें उससे बातचीत करी और उनसे पूछा तो बताया कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और उसको तुरंत अब जन सहयोग से वापस बुझा दिया गया है और पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया है, लेकिन तब तक हमने ये जन सहयोग से ही उसको करवा दिया, ट्राई किया था, फोन लगा नहीं। इसमें गैस किट पे लगा हुआ है क्या? कोई गैस किट नहीं था, गैस किट नहीं था, गैस किट है पर गैस किट में थी, गैस नहीं थी, गैस है नहीं उसमें, कोई हादसा नहीं हुआ। ठीक, आपका नाम? हीरा लाल हेड कॉन्स्टेबल जीआरपी थाना जी में। ठीक, वजह से हुआ ये कैसे, क्या अभी तो कोई पता नहीं पड़ेगा, वो तो चेक करने पे पता पड़ेगा, ऐसे तो पता पड़ेगा नहीं। सूचना मिली थी आपको? सर अभी मैं दुकान पे बैठा था, मैं शॉप पे बाहर पे ही पार्किंग में खड़ी थी और एकदम से आग लग गई इसमें। क्या गाड़ी में? तो 80% जल गई है, तो 80% ख़त्म हो गई। ये तो वो कंपनी बताएगी क्या? नाम बताइए, आपका नाम बताइए। महेश भाटी।